सर, मेरा ये सवाल था कि जैसे जनाजे का नमाज है, उसमें मर्द, औरत और बच्चे बच्चे की नमाज क्या एक साथ पढ़ा सकते हैं? सवाल आपका वाजे नहीं हुआ। जनाजे की नमाज में मर्द औरत दोनों का एक साथ नमाज पढ़ना? नहीं, शेख, नहीं, बच्चे जैसे हाँ, का बच्चे मर्द और औरत। नमाज। अच्छा, कई कई जनाजे हैं, सब पर एक साथ नमाज पढ़ना? हाँ बिल्कुल जी, बिल यानी बिल्कुल कि पढ़ा औरत। सकते हैं। बिल्कुल, पहले जो है सामने मर्द का जनाजा रखिए, उसके पीछे औरत का जनाजा रखिए। आप जो है इस तरह से करके दोनों पर एक साथ जनाजे की नमाज पढ़ सकते हैं। जी सर, लेकिन जी भाई, उसमें कुछ औरत औरत के लिए अलग बोला जाता है, मर्द के लिए अलग, एक बच्चे के लिए कुछ अलग बोला जाता है ना। क्या जैसे जैसे उसमें औरत औरत के लिए इस्तेमाल लफ्ज होता है अरबी में, उसे क्या कहते, देखिए। मैं बताता हूं आपको, एक मिनट हाँ रुकिए। जी। असल में दुआ के अंदर अरबी जबान ऐसी जबान है कि दुआ के अंदर औरत के लिए अरबी जबान में सेगे अलग होते हैं। जैसे जी हम लोग उर्दू जबान में जब हम बोलते हैं आप, हम औरत को भी आप बोलते हैं, मर्द को भी आप बोलते हैं, है ना? अरबी में जी ऐसा नहीं है। अरबी में औरत को अगर आप बोलना है तो अंती बोलेंगे, उर्दू, और मर्द को बोलना है तो अंता बोलेंगे। तो जमीर का फर्क होता है, जिसको प्रोनाउन बोलते हैं, तो जमायर का फर्क होता है जी अरबी और उर्दू में। तो अगर औरत का जनाजा है तो जब हम उसमें दुआ पढ़ रहे हैं तो क्या मुअन्नस का सेगा इस्तेमाल करेंगे या मुज़क्कर का? सही बात यह है कि दोनों सेगे जायज हैं, क्योंकि वहां पर औरत या मर्द नहीं, बल्कि वो एक जनाजा है, जनाजे की आप नमाज पढ़ रहे हैं। तो जो हदीस के अंदर अल्फाज वारिद हैं मुज़क्कर के सेगे के साथ, वो भी आप पढ़ सकते हैं और उसको मुअन्नस के सेगे से तब्दील करके भी पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं है इसमें। तो लिहाजा इससे आपको कोई हरज में नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है कि दोनों के लिए अलग अलग सेगा इस्तेमाल करना। हदीस में जो सेगा वारिद हुआ है वो आप पढ़िए। इसी तरह से जब जनाजे के अंदर बच्चा भी शामिल है अगर, तो बच्चे के लिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग से छोटी सी दुआ बताई है, उसको जब आप खत्म कर लें तो उसको भी आखिर में पढ़ें।